आज हम बनाएंगे मटर पनीर। इसके लिए हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच हमने जीरा लिया है, दो तेज पत्ते लिए हैं, चार टमाटर हैं जो हमने पीस लिए हैं, एक कटोरी हमने मटर ली है बॉयल, आधी कटोरी हमने क्रीम ली है, एक प्याज, चार पांच लहसुन की कलियां हमने जो पेस्ट इसका पेस्ट बना लिया है, चार पांच काजू लिए हैं जिसको हमने पीस लिया है दूध में, एक चम्मच हमने घी लिया है, 250 ग्राम हमने पनीर लिया है, एक कटोरी हमने दूध लिया है, एक चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, एक कटोरी हमने धनिया लिया है जो बारीक काट लिया है, एक चम्मच हमने चीनी ली है, एक चम्मच हमने नमक लिया है। अभी हम पैन को अपने पैन को गरम करते हैं। इसमें हमने एक चम्मच तेल डाल दिया है, हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें जीरा, तेज पत्ता, मिर्च, हल्दी सबको डाल कर ऐड कर देंगे। जीरा बन चुका है, अभी हम इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। तो हम धीमी आंच पर भुनने देंगे इसको, हम जब तक भुनने देंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे ग्रेवी हमारी। 5 मिनट हम इसको पकने देंगे, हम ढकने के ढक देते हैं और 5 मिनट पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे, इसको भी भून लेंगे अच्छे से इस तरह से, फिर मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। हम इसमें मटर डालेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। इसमें हम दूध डालेंगे, इस तरह से हम सब चीजों को ऐड कर देंगे। अभी हमने नमक नहीं डाली है, हम नमक लास्ट में डालेंगे। अभी हम गरम मसाला डाल देते हैं, पनीर डाल देते हैं, हरा धनिया डाल देते हैं, सब चीजें हम डाल के ऐड कर देते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। अभी हमने नमक और ये जो हमारी चीनी है इसको सबसे लास्ट में डालना है हमको, इस तरह से इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। सबसे लास्ट में हम मलाई डालेंगे, इस तरह से जो हमने एक चम्मच हमने घी रखा था उसको हमने गरम कर लिया है, उसमें हमने दो पिंच लाल मिर्च डाल लिए तो उसको हम सूप से डालेंगे इस तरह से। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पनीर का। देखिए हमारा पनीर मटर पनीर बनकर तैयार हो चुका है। हम गैस का बंद कर देते हैं। देखिए हमारा मटर पनीर बनकर तैयार हो चुका है, आप इसे ट्राई कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।